हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, बर्जर पे शेयर लेटेस्ट न्यू स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं ये ब्रेकआउट की सिचुएशन में ये स्टॉक आ चुका है। आज का पहला वीडियो मैंने बताया था गोदरेज इंडस्ट्रीज, जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है आज के दिन पे, और अब लग रहा है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज का ऊपर का ट्रेंड यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। और बर्जर पेंट्स भी वही सिनेरियो दिख रहा है, इरिस्पेक्टिव द मार्केट कंडीशन ये अपने ही ट्रेंड में चले जा रहा है। 735 का रिसेंटली इसने बॉटम किया था, टू बी प्रिसाइज 729 के आसपास तक गया था ये स्टॉक। वहां से ऊपर की तरफ आज का क्लोजिंग भी अगर हम देखें तो 760 के आसपास है, इंट्राडे हाई इसका 766 था। तो अपने ही कह सकते ट्रेंड में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, मैंने पहले भी कई बार इस स्टॉक को अपने कह सकते हैं चैनल पे रिकमेंड किया था। और जिन इन्वेस्टर्स का मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, उनके लिए बर्जर पेंट्स बेहतरीन स्टॉक है। बहुत ही कह सकते हैं फेयर वैल्यूएशन में स्टॉक अभी इस समय मिल रहा है आपको। अगर स्पेसिफिकली अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न आपको बर्जर पेंट्स दे सकता है। सबसे पहले नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स से काफी सारे हमारी कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दिस वीडियो में विल सी द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ बर्जर पेंट्स लिमिटेड, विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक, म्यूचुअल फंड डेटा देखेंगे नवंबर मंथ का, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, और साथ ही में प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा भी देखेंगे स्टॉक का। क्यू एन ए सेशन का आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंड देना चाहूंगा। इस बार इस सैटरडे को 18th दिसंबर को दोपहर को 3 बजे फिर से हम एक बार यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे, जहां पे एग्जैक्टली 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में जितना हो सके सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप करके रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एडवाइजरी स्कीम के बारे में सभी को बताना चाहूंगा। 30 डेज, 90 डेज दो तरीके के मॉडल्स है। दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिपरी बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो जितना हो सके अपने ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से पोजिशन को क्रिएट कीजिए। और अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखिए। जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना ही रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट होगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट्स के लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक हैज बीन स्लाइडिंग बट द फंडामेंटल्स लुक स्ट्रॉन्ग, इज द मार्केट रॉन्ग। यानी अगर फंडामेंटल के साथ कंपेयर करें स्टॉक को तो इस समय ये कह सकते हैं इसका वैल्यूएशन काफी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उसके कंपेयर में ये अभी भी अंडर वैल्यूड दिख रहा है स्टॉक। तो कौन से ऐसे रीजन है जहां पे इसका वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, सबसे पहले वो आप देखेंगे। साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ग्रोथ एंड 24% आरओई। To begin with, the Berger Paints India seems to have a respectable ROE. That is, further, the company's ROE compares quite favorably to the industry's average of 15%. यानी अगर इंडस्ट्री का कह सकते हैं ROE देखे तो 15% का है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी का देखिए, हम इंडस्ट्री यानी सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेंट सेक्टर की बात करें तो उसका ROE है 15% के आसपास, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी का ROE है 24% के आसपास। This certainly adds some context to Berger Paints India's decent 12% net income growth seen over the past 5 years. As a next step, we compared the Berger Paints India's net income growth with the industry's and were disappointed to see the company's growth is lower than the industry's average of 18% in the same period. लेकिन अगर हम specifically paint industry की बात करें तो उसका growth है 18%, लेकिन यहाँ पे Berger Paints का growth है 12%. तो कॉन्ट्राडिक सिचुएशन हुआ है, आरओई इंडस्ट्री से ज्यादा है लेकिन ग्रोथ इंडस्ट्री से कम है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दो कह सकते हैं यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं, दो ग्राफ दिख रहे हैं। पिछले 5 साल में अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ देखे तो 18.4% है, लेकिन अगर कंपनी का ग्रोथ देखे तो 11.8% है। मार्केट का ग्रोथ देखे तो 10.9% है, लेकिन अगर एक साल की बात करें, पिछले एक साल में पेंट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है 43.3%, लेकिन अगर कंपनी का ग्रोथ देखे बर्जर पेंट्स का तो कंपनी ने ग्रो किया है 61%, मार्केट ने ग्रो किया है 54%। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो कंपनी का ग्रोथ कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज ग्रोथ, यानी पेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एक साल में देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री का एज कम्पेयर टू यहाँ पे बर्जर पेंट्स के ग्रोथ के साथ। अर्निंग ग्रोथ इज एज इम्पोर्टेंट मैट्रिक टू कंसिडर वेन वैल्युएटिंग अ स्टॉक। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू नो वेदर द मार्केट हैज द प्राइस ऑफ द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ। डूइंग सो विल हेल्प दैट एज द देम टू एस्टैब्लिश इफ द स्टॉक्स फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग और नॉट। और वन गुड इंडिकेटर फॉर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ इज द पीई रेशियो विच डिटरमाइंस द प्राइस इन द मार्केट विलिंग टू पे द स्टॉक बेस्ड ऑन द अर्निंग्स प्रॉस्पेक्ट्स।
सो यू मे वॉन्ट टू चेक इफ बर्जर पेंट्स इंडिया इज ट्रेडिंग ऑन हाई पी और लो पी। तो प्राइस पर अर्निंग रेशियो देखिए तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बर्जर पेंट्स का डिसेंट इंडफ है एज कम्पेयर टू द अर्निंग्स। तो यहाँ पे प्राइस पर अर्निंग रेशियो भी काफी कह सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस बर्जर पेंट्स इंडिया इफेक्टिवली री इन्वेस्टिंग इज प्रॉफिट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के फंडामेंटल्स का कि अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं टू गिव मेजर ग्रोथ इन दैट सेक्टर। विद इन 3 ईयर्स ऑफ मीडियम पे आउट ऑफ रेशियो ऑफ 32% इंप्लाइंग दैट द कंपनी रिटेन 68% ऑफ इट्स प्रॉफिट, इट सीम्स दैट द बर्जर पेंट्स इज री इन्वेस्टिंग एफिशियंटली इन द वे इट सीज रिस्पेक्टेबल अमाउंट ग्रोथ इन इट्स अर्निंग एंड पेज डिविडेंड दैट इज वेल कवर्ड। यानी डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, अपने प्रॉफिट्स को भी री इन्वेस्ट कर रही है ताकि कंपनी का एक्सपांशन हो सके, कंपनी का ग्रोथ हो सके। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे चेकमार्क हो रहा है। बिसाइड्स बर्जर पेंट्स इंडिया हैज पेइंग बर्जर पेंट्स इंडिया हैज बीन पेइंग डिविडेंड्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स और मोर, दिस शोज दैट द कंपनी इज कमिटेड टू शेयर द प्रॉफिट्स विद द शेयर होल्डर्स। यानी पिछले 10 सालों से कॉन्स्टेंटली ये डिविडेंड दे रही है, यानी अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रही है। आर लेटेस्ट एनालिसिस डेटा शोज दैट द फ्यूचर पे आउट ऑफ future payout ratio of the company is expected to rise 40% over next 3 years. Despite the higher expected payout ratio, the company's ROE is not expected to change by much. ROE stagnant रहेगा, लेकिन कंपनी की जो payout है यानी dividend है वो आने वाले 3 सालों में 40% तक बढ़ सकते हैं। पिछले 5 दिनों में चार्ट पैटर्न देख ले तो 750 के आसपास इसका बॉटम था और हाईएस्ट पॉइंट था 767 का। एक महीने का अगर बॉटम देखे तो करीबन 729 के आसपास था, हाईएस्ट पॉइंट था 807 का। और अगर 3 महीने का हाईएस्ट पॉइंट देख लेते 856 के आसपास का था और बॉटम था 729 का। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो 1 महीने का 10 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 4 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिसेंट इनफ प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा दिख रहा है यहाँ पे आपको। रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मोड में है, पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 तक जो आपको स्क्रीन में फिगर्स दिख रहे हैं 4552 5165 6061 6365, और 2021 की बात करें तो 6870 करोड़ के आसपास। तो यानी कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ ही ग्रोइंग मोड में रेवेन्यू दिखा है। नेट प्रॉफिट भी देखे तो वो भी ग्रोइंग मोड में दिख रहा है, यहाँ पे 463 करोड़ से 725 करोड़, पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही गया है। ईपीएस भी ऊपर की तरफ है 4.88 से लेके 7.41, तो ईपीएस भी अच्छे से ग्रो हुआ है। तो फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो 40 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 7 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस आया है 21 लाख कह सकते हैं 11,000 शेयर्स के आसपास। तो 21 लाख 11,000 शेयर्स यहाँ पे बाइंग हुए है बिटवीन 40 म्यूचुअल फंड कंपनी बाइंग एंड 7 म्यूचुअल फंड कंपनी सेलिंग। तो 21 लाख क्वांटिटी ऑफ बर्जर पेंट्स का बाइंग हुआ इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेवल्स अगर हम देखें तो RSI 50 पे है, MFI 55 पे है, यानी दोनों ही न्यूट्रल जोन पे है। तो अभी भी काफी सारा अपसाइड बाकी है एज पर टेक्निकल पार्ट। तो काफी बढ़िया स्टॉक है और ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक आ चुका है। अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है स्टॉक के लिए तो अच्छे से आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए। एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।